अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, बच्चों, बहनों, भाइयों और प्यारे प्यारे मेरे बुजुर्गों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हुदा सिस्टर अपने फादर के साथ, अपने अब्बू के साथ, अपने पापा के साथ आप लोगों के सामने, और आज बड़ी खूबसूरत से ये तैयारी आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो गैस तो आपने कर लिया होगा, ये तैयारी बहुत ही प्यारा महीना रबीउल अव्वल का मुबारक महीना, जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो 12 रबीउल अव्वल के लिए हमने ये कुछ तैयारी की है। तो अपने व्लॉग का आगाज हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नजराना पेश करके करते हैं। तो चले हम लोग सब मिलकर दुरूद पढ़ते हैं। صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله سبحان الله। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के यौम विलादत की खुशी में नजराने अकीदत पेश करते हैं, और हम लोग नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम सुनाते हैं। मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयसर कहाँ उस दर की गुलामी, हर एक को मयसर कहाँ उस दर की गुलामी, हर एक को मयसर कहाँ उस दर की गुलामी। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। रबीउल अव्वल आमदे रसूल, हर घड़ी हर पल खिल रहे हैं गुल। सो मुसलातों को गले लगा लो, रहमो करम के छा गए बादल। रबीउल अव्वल आमदे रसूल, हर घड़ी हर पल खिल रहे हैं गुल। रबीउल अव्वल आमदे रसूल, हर घड़ी हर पल खिल रहे हैं गुल। सो मुसलातों को गले लगा लो, रहमो करम के छा गए बादल। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
प्यारे प्यारे फूलों के साथ प्यारी प्यारी जो ना परियां खुदा सिस्टर्स आपके सामने हैं और अपने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में अपने अल्लाह के हुजूर नजराना अकीदत पेश कर रही हैं। आप क्या कहेंगी इस मौके पे, कोई एक जो ना मुझे बात जो ना आप लोग बताएं रबीउल अव्वल के हवाले से। मैं ये बताना चाहूँगी कि बार रबीउल अव्वल एक बहुत ही प्यारा महीना है, क्योंकि इस महीने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे और उनके आते ही जितनी दुनिया में जहालत बिद्दत सब फैली हुई थी वो सब दूर हो गए थे। उन्होंने आके सबको हकूक़ दिए, औरतों को, बच्चों को, आदमियों को, सबके हकूक़ बताए, ये बताया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। ईद मिलादुन्नबी हर साल माशाल्लाह आता है और जब हम लोग आपके एज ग्रुप में थे तो उस वक्त जो ना इसी तरह जैसे अभी लोग जो ना ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं तो उस वक्त भी स्कूल में एहतमाम किया जाता था, तो आपके पापा जो ना बड़े शौक़ से जो ना वो तैयारी करते थे और जो ना हिस्सा लेते थे मिलाद में और बहुत मज़ा आता था, और तो वो बचपन की यादें हैं। तो अभी आप मुझे बताएं कि आपके स्कूल में मिलाद कब मिलाद है? हमारे स्कूल में शायद 13 अक्टूबर, क्योंकि 12 अप्रैल को छुट्टी हो जाएगी और हमारे असेसमेंट भी चल रहे हैं अभी, तो शायद 13। आपने कोई पार्टिसिपेट किया? आपने कौन सी नात पढ़ेंगी आप? मुझे इन्होंने स्पेशली एक दुआ दी है, मैं वो पढ़ूंगी। अच्छा, और अदा का तो अदा का कॉलेज है, अदा आप कॉलेज में क्या पढ़ेंगी? लेकिन जब हमारे स्कूल में होता था तो हमारे जब स्कूल में नात खुआ के लिए बुलाते थे तो अदा को तो लाजमी इनवाइट किया जाता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और खुदा आपने कौन सी नात पढ़नी इस बार? शाहे मदीना यसरफ के वाली। लेकिन कल जो मैंने आपकी एक नात की तैयारी करवाई थी ना, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं, एक तो ये थी और मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है, तो उनमें से कोई एक सिलेक्ट नहीं करी? अभी मैं सोचूंगी। अच्छा, चले, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम लोग जो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते हैं, अल्लाह पाक की हमद सना करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग जो ना इसी तरीके से अपने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अच्छे अच्छे काम करें। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो क्या करना है? लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है जी, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।